हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो उसमें दो पढ़ लिए थे हमने, एरर ऑफ ऑमिशन, एरर ऑफ कमीशन। थर्ड है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मैंने आपको बताया था सिद्धांत। ठीक है, यानी हम पढ़ते हैं लॉ, जो अकाउंटिंग के लिए प्रिंसिपल बने हुए हैं, किस किस टाइप के हमको रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग अगर कोई एरर है तो कहना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ एरर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एज पर जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, यानी कि जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, रूल्स है, ठीक है, वो सारी चीजें आ गई इसमें। इफ एनी ऑफ दीज प्रिंसिपल्स आर वायलेटेड और इग्नोर्ड, अगर इनमें से हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है उनको हम नहीं मानते या इग्नोर कर देते हैं, उसको बिना माने हम एंट्री करते हैं, द एरर रिजल्टिंग नॉन एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि अगर हम बुक्स में, जनरल एंट्री में या अकाउंटिंग की बुक्स में एंट्री करते समय अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है या रूल्स है उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो जो एरर होगी वो कहलाएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, यानी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को हम नहीं मानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पर लिख रखा है द एरर डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये जो एरर होती है इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि अगर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करें तो अमाउंट का डिफरेंस तो आएगा नहीं, और ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आता है वो अमाउंट का आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करने से अमाउंट के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इस वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग माना गया। कैपिटल यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए हम खर्चे करते हैं, जो एक साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, जैसे हमने कोई एसेट खरीदी, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो छोटे अमाउंट में होते हैं और एक साल के लिए होते हैं, जैसे इंश्योरेंस खरीदा हमने, ठीक है, इंश्योरेंस लिया तो एक साल का होगा इंश्योरेंस, अगले साल वापस करना पड़ेगा। किराया देते हैं रेंट, ठीक है, वो रेंट है वो, तो उनका अलग अलग जो होता है क्लासिफिकेशन होता है, तो हमको रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस जो है वो हम फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, अब क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी है तो मशीनरी जो है हम खरीदते हैं तो उसको परचेज अकाउंट में नहीं लिखते, हम लिखते हैं मशीनरी अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर उसने लिख दिया परचेज बुक में, यानी मशीनरी अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर दिया है, तो यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल की एरर हुई है, तो यहाँ पर मशीनरी नहीं बढ़ेगी और परचेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से हमारा जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो भी रॉन्ग आएगा। रेंट पेड टू, रेंट पेड, हमने रेंट दिया रिकॉर्डेड इन लैंडलॉर्ड अकाउंट, यानी वो लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में लिख दिया। जैसे कि आपका जो मालिक है, जहाँ आपने बिजनेस लगा रखा उस प्लेस का जो मालिक है उसका नाम है, ठीक है, राम, तो आपने रेंट दिया तो हमको क्या लिखना है, रेंट अकाउंट दिया। जब कभी हम कोई एक्सपेंसेस देते हैं तो उस एक्सपेंसेस का नाम आता है, उस पर्सन का नाम नहीं आता, लेकिन हमने उस पर्सन का नाम लिख दिया राम अकाउंट दिया, यानी हमने राम को ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट का कोई डिफरेंस नहीं है, कैश हमारे पास से गया है, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ रेंट में नहीं जाके राम के अकाउंट में चला गया। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। एक और होता है जैसे हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, मशीनरी वगैरह, ठीक है, कोई भी, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेज होते हैं वो उसी में एड करने हैं। जैसे हमने मशीन खरीदी नहीं 10,000 की, और उसको लाने का जो खर्चा है या उसको फिट करने का जो खर्चा है, सेटअप करने का 1,000 है, तो वो भी हमको मशीन के अकाउंट में लिखना है, हमको अलग से उसके लिए अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, मेंटेनेंस का या सब कुछ भी, सेटअप का, एस्टेब्लिशमेंट का, तो हमने क्या किया उसके अलग अलग अकाउंट बना दिए, 10,000 तो मशीन अकाउंट में लिख दिया, और 1,000 जो उसका अदर एक्सपेंसेज था जो डायरेक्ट उससे रिलेटेड उसके एस्टेब्लिशमेंट थे, वो हमने एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज में लिख दिया, तो ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। हमको 11,000 10,000 प्लस 1,000 पूरे 11,000 मशीनरी अकाउंट के अंदर ही लिखने, वो मशीनरी मानी। तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना। अगला है कंपनसेटिंग एरर, फोन नंबर लास्ट एरर कंपनसेटिंग एरर, इसमें क्या होगी दो एरर के साथ होगी। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर में क्या होगी दो एरर के साथ होगी, एक एरर से जो इफेक्ट पड़ेगा दूसरी एरर उसको पूरा कर देगी। तो कंपनसेटिंग का मतलब क्षतिपूर्ति, किसी चीज की जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना। ठीक है,
कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, किसी नुकसान की भरपाई करना। तो इसमें क्या होगा, दो एरर होगी या दो से ज़्यादा एरर होगी, तो एक एरर से जो डिफरेंस आएगा, जो लॉस हुआ है उसको दूसरी एरर सही कर देगी, उसको मिस्टेक को सही कर देगी। तो व्हेन टू और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच ए वे दैट नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन डेबिट और क्रेडिट ऑफ अकाउंट इज नील, ठीक है, यानी कि उन दोनों एरर का या दो से ज़्यादा जितनी एरर उन एरर का नेट इफेक्ट जो होगा अकाउंट के ऊपर डेबिट और क्रेडिट में वो नील होगा, यानी न तो कोई अमाउंट डेबिट में कम पड़ेगी ना ही क्रेडिट में कम पड़ेगी, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर डू नॉट इफेक्ट द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, कंपनसेटिंग एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल, परचेज बुक इज ओवर क्लासिफाइड 10,000 एंड सेल्स बुक इज अंडर क्लासिफाइड 10,000। अब देखो यहाँ पर सेम अमाउंट है, परचेज बुक ओवर क्लासिफाइड, तो परचेज बुक को डीआर करते हैं, यानी 10,000 हमने ज़्यादा करके दिया है, और सेल्स बुक अंडर क्लासिफाइड यानी कम हुई है, तो ये सीआर कम हुई है, तो यानी कि डीआर क्या हो गया, वो दोनों जो थे वो एक दूसरे से क्या हो गया, कंपनसेटिंग हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, यानी एक से जो नुकसान हुआ दूसरे से क्या हो जाता है, उसकी भरपाई हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े हैं एरर के टाइप, अब हम इसके बाद देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कैसे सही करते हैं एरर को, कैसे पता लगाते हैं एरर को सही कैसे करना है।